इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन जो कि आते हैं 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में, क्योंकि सबसे ज्यादा फोन 15,000 के प्राइस सेगमेंट में ही सेल आउट होता है और इस प्राइस रेंज में इतने ऑप्शन आते हैं कि लेने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फोन ले। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। जो फोन हमने सिलेक्ट किए हैं उस हर एक फोन की अपनी अपनी खासियत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप फोन खरीद सकते हैं। कुछ चीजों को ध्यान में रखकर हमने ये फोन सिलेक्ट किए, जैसे कि किसी को एक बेस्ट कैमरा वाला फोन चाहिए, किसी को गेमिंग करनी होती है वो भी 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और किसी को 5G रेडी डिवाइस चाहिए। आपको सभी ऑप्शंस मिलेंगे। इस प्राइस कैटेगरी में जो बेस्ट डिवाइस है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। ये ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है कि लास्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट, डिसाइड आपको करना है कि आपको सबसे ज्यादा फोन में क्या इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 5 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M32 4G। ये एक बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया फोन है। अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन चाहते हैं या आपकी प्रायोरिटी सिर्फ कैमरा है तो सैमसंग M32 आपके लिए अंडर 15,000 एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। इस लिस्ट में यही फोन है जो आपको एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करता है, वो भी 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले की बात जितनी करो उतनी कम है, क्योंकि आईफोन की डिस्प्ले भी सैमसंग ही बनाती है। अब आते हैं फोन के स्पेसिफिकेशंस की तरफ। फोन का हाईलाइटेड फीचर है इसका क्वाड कैमरा सेटअप और एमोलेड डिस्प्ले। फोन में आता है 64MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ सेंसर, और इसी के साथ आपको सैमसंग का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन मिलता है जो बेहतरीन कैमरा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। इस फोन का सेल्फी सेंसर भी बाकी फोन से बड़ा आता है। फोन में आता है 20MP का फ्रंट कैमरा सेंसर जो लो लाइट कंडीशन में काफी अच्छी फोटोज क्लिक करता है। फोन आता है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ 800 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इस लिस्ट का सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको इसी फोन में मिलेगा। अगर बात करें प्रोसेसर की तो फोन आता है हेलियो G80 प्रोसेसर के साथ जो डे टू डे टास्क करने के लिए केपेबल है। अगर फोन में G90 या G95 प्रोसेसर होता तो ये फोन हमारी लिस्ट पे टॉप पर होता। फोन में आती है 6000mAh की बड़ी बैटरी जो 1.5 से 2 दिन तक आराम से बैटरी बैकअप देती है। फोन आता है 15W इनबॉक्स चार्जर के साथ, इसे फास्ट चार्जिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन फोन 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ सभी सेंसर आते हैं। बात करें कनेक्टिविटी की तो ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.0 GPS ग्लोनास NFC 4G OLTE के साथ आता है। ये फोन दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 4GB 64GB और 8GB 128GB। 4GB 64GB का वेरिएंट आपको 14,500 से 14,800 के बीच में देखने मिलता है और फेस्टिव सीजन में आप इसे 14,000 से नीचे भी परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं फोन के प्रोज एंड कॉन्स। अगर बात करें प्रोज की तो ऑब्वियसली सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 2MP क्वाड कैमरा सेटअप, 20MP फ्रंट कैमरा, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और 6000mAh की बड़ी बैटरी। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें कॉन्स की तो ये 4G फोन है, 5G को सपोर्ट नहीं करता। इसमें एक मीडियम परफॉर्मेंस 12nm प्रोसेसर आता है और इनबॉक्स 15W का चार्जर मिलता है। अगर आपको एक फोन में अच्छे कैमरा और एक अच्छे डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है तो ये फोन डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट चॉइस साबित हो सकता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ गेमिंग है तो आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में यही फोन है जो आपको 6.9 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले ऑफर करता है और वो भी 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। तो नंबर 4 पर आता है इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन। इस फोन में आता है हेलियो G96 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो आता है DDR लिंक 2.0 गेम बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। फोन आता है 5000mAh की बैटरी के साथ और 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। फोन में आती है 6.9 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि आती है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ। इससे इस डिवाइस में आपको एक अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस मिलती है और बड़ी स्क्रीन होने की वजह से आप गेमिंग और मल्टीमीडिया अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर बात करें कैमरा की तो फोन आता है 50MP वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। फोन में आपको DTS सराउंड साउंड के साथ ड्यूल स्पीकर देखने मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ GPS 4G OLTE के साथ आता है। फोन 5G को सपोर्ट नहीं करता। ये फोन दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 4GB 64GB और 8GB 128GB। इस फोन में आपको 3GB वर्चुअल रैम एक्सपेंशन देखने मिलता है जो परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत मदद करता है। इसका 6GB 64GB वेरिएंट आपको 14,000 में देखने मिलता है। वही इसकी 8GB 128 की प्राइस की बात करें तो ये आपको 16,000 के आसपास देखने मिलता है। अब चलते हैं फोन के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें प्रोज की तो इंप्रेसिव बेजललेस डिजाइन, डिसेंट गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर, फुल HD प्लस 6.95 इंच बिग IPS डिस्प्ले विद 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें कॉन्स की तो ये विदाउट गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर्स और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस मिलते हैं, एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस मिलता है और इसमें आपको NFC और 5G का सपोर्ट देखने नहीं मिलता। अगर आप एक गेमिंग डिवाइस इस प्राइस रेंज में चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है।
अब चलते हैं हमारे नंबर तीन की तरफ। नंबर तीन पर जो फोन आता है वो उन लोगों के लिए जिन्हें एक ओवरऑल एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, जिसकी डिस्प्ले अच्छी हो, थोड़ी बहुत गेमिंग कर सके, जिसकी बैटरी लाइफ ज्यादा हो और डिसेंट कैमरा सेटअप के साथ आए। तो हमारी लिस्ट में नंबर तीन पर आता है रियलमी 8i। 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन है। बात करें इसके डिजाइन की तो ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और ग्लॉसी प्लास्टिक बैक के साथ आता है। तो ये फोन भी आता है हेलियो G96 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए केपेबल प्रोसेसर है। फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। उसी के साथ 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने मिलता है। अगर बात करें कैमरा की तो फोन आता है 50 MP AI ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। 50 MP वाइड, 2 MP मैक्रो और 2 MP के डेप्थ सेंसर दिया गया है और फ्रंट की तरफ 16 MP का सेल्फी सेंसर आता है। प्राइमरी कैमरा सेंसर से डे लाइट कंडीशन में फोटोज काफी अच्छी आती है। फोन को पावर करती है इसकी 5000mAh की बैटरी, जो आती है 18W के चार्जर के साथ, जो बैटरी चार्ज करने में लगभग 2.5 घंटे लगाता है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ सभी सेंसर आते हैं। कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G OLTE के साथ आता है और उसी के साथ ग्लोनेस GPS का भी सपोर्ट देखने मिलता है। फोन आता है रियलमी UI 2.0 के साथ, जो बेस है लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और जल्द ही इस फोन पर रियलमी UI 3.0 का अपडेट आने वाला है। ये फोन आता है दो वेरिएंट के साथ, 4GB 64GB और 6GB 128GB। अगर बात करें प्राइस की तो 4GB 64GB आपको 14,000 में मिल जाएगा और 6GB 128GB आपको 16,000 में मिल जाएगा। अगर आप इसे फेस्टिव सीजन में या ऑफर्स में खरीदते तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। अब देखते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। अगर बात करें प्रोज की तो 5000mAh बैटरी, फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, स्टाइलिश एंड प्रीमियम डिजाइन, डिसेंट डे लाइट कैमरा क्वालिटी और लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें कॉन्स की तो लो साउंड आउटपुट विद सिंगल स्पीकर, नो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और नो NFC एंड 5G सपोर्ट। इस फोन में थोड़ी बहुत कमियां है, लेकिन 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में ये एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन साबित होता है। अब चलते हैं नंबर दो की तरफ। नंबर दो और नंबर एक पर दो ऐसे फोन है जो 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए दोनों फोन फ्यूचर प्रूफ है। ये फोन उन लोगों के लिए है जिन्हें 15,000 रुपए के स्ट्रिक्ट बजट के अंदर 5G रेडी फोन चाहिए। दोनों ही फोन अपने अपने बजट में वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप सबसे ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं। तो नंबर दो पर आता है पोको M3 प्रो 5G। फोन आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर के साथ, जो कि 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो ये फोन को अच्छे लेवल की मल्टीटास्किंग करवा देगा और एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस भी इससे आप ले सकते हैं। अगर बात करें इसके डिजाइन की तो फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने मिलती है, प्लास्टिक फ्रेम और ग्लॉसी प्लास्टिक बैक के साथ आता है। फोन दिखने में काफी स्टाइलिश लगता है। फोन आता है 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, जो 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। फोन को पावर करती है इसकी 5000mAh की बैटरी, जो इनबॉक्स 18W चार्जर के साथ आती है। फोन आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और उसी के साथ फोन में सभी सेंसर मौजूद है। इस फोन में आपको 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G OLTE, डुअल स्टैंडबाय 5G सिम सपोर्ट और उसी के साथ GPS, ग्लोनेस और NFC भी देखने को मिलता है, जो बेस्ट है एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। यह फोन दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। 4GB 64GB की प्राइस है 14,000 और 6GB 128GB की प्राइस है 16,000 रुपए। अब देखते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। अगर बात करें प्रोज की तो ये 5G फोन है, सिर्फ 14,000 रुपए के अंदर देखने मिलता है। फोन आता है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है विद 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें आती है लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, डिसेंट फोटो क्वालिटी मिलती है डे लाइट कंडीशन में और ये फोन NFC और इंफ्रारेड सेंसर के साथ आता है। अगर बात करें कॉन्स की तो इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। इसमें काफी सारे ब्लॉटवेयर और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आते हैं और आउटडेटेड टाइप सी 2.0 का चार्जिंग पोर्ट देखने मिलता है। अगर आपका बजट 14,000 से भी कम है और आपको एक 5G फोन लेना है तो इस प्राइस पर सिर्फ यही फोन है जो आपको मिल सकता है। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर वन की तरफ। ये फोन उन लोगों के लिए जिन्हें क्लीन एंड स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, कोई फालतू के ब्लॉटवेयर्स नहीं, कस्टम UI नहीं और बाकी फोन से थोड़ी सिक्योर OS चाहते हैं और ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी और परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हैं, वो भी 5G में, तो ये फोन उन लोगों के लिए है। तो नंबर वन पर आता है मोटोरोला की तरफ से आने वाला लेटेस्ट मोटो G51 5G। ये इंडिया का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 480 5G प्रोसेसर के साथ आता है। 400 सीरीज का प्रोसेसर समझ के इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मीडियाटेक 800U के करीब करीब आता है। ये एक केपेबल प्रोसेसर है
जो आपको बढ़िया लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और उसी के साथ ये फोन 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। फोन आता है बड़ी स्क्रीन के साथ। फोन में है 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। फोन को पावर करती है इसकी 5000 mAh की बैटरी जो इनबॉक्स 20 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। फोन आता है 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, 50 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के माइक्रो सेंसर के साथ। और आगे की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा काफी अच्छी क्वालिटी की फोटोज क्लिक करता है। फोन आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और उसी के साथ सभी सेंसर इस फोन में अवेलेबल है। कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G OLTE और ड्यूल स्टैंड बाय 5G सिम के साथ आता है। उसी के साथ NFC, GPS, ग्लोनेस का भी सपोर्ट देखने मिलता है। अगर बात करें इसके यूनिक फीचर्स की तो फोन आता है IP52 वाटर रिपेलेंट डिजाइन के साथ। फोन में थिंक शील्ड की मोबाइल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है जो आपकी प्राइवेसी को एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और इस फोन की सबसे खास बात है इसकी क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो माई मोटो के कस्टमाइजेशन के साथ आती है। फोन में कोई ब्लॉटवेयर नहीं मिलता, फालतू के एप्लीकेशन नहीं मिलते, एड्स नहीं आते और लैग और स्टटर फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। और उसी के साथ मोटो आपको 2 ईयर्स के अपडेट का प्रॉमिस भी करता है, यानी एंड्रॉइड 13 तक आपको इसमें अपडेट मिलेंगे। इस फोन के 4GB 64GB वेरिएंट की प्राइस है 15,000 रुपए। अब चलते हैं फोन के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। बात करें प्रोज की तो 6.8 इंचेस की बिग फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, डिसेंट परफॉर्मिंग प्रोसेसर, 5G रेडी विद 12 बैंड सपोर्ट, IP52 रेटिंग सर्टिफिकेट, 5000 mAh बैटरी विद 20 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और क्लीन एंड फास्ट टॉक एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें कॉन्स की तो इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, आउटडेटेड टाइप सी 2.0 चार्जिंग पोर्ट आता है और फोन में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो ये है इस फोन के कॉन्स। ये फोन डेफिनेटली एक बेस्ट ऑलराउंडर 5G फोन है 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में। तो ये थे हमारे 15,000 रुपए के बेस्ट स्मार्टफोन। इन सभी फोन्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। आपको सभी प्राइस रेंज के मोबाइल की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगी। 8,000 से लेकर फ्लैगशिप लेवल के सभी फोन हमने इस चैनल पर कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।